विश्व में इस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश भारत की है। सरकार की लाख योजनाओं के चलाने के बावजूद अभी तक इसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली। वहीं अब असम सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नया अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल असम सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ छोटे परिवार को ही देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में महिला उद्यमी अक्षुणी योजना की शुरुआत करते हुए इस बात की जानकारी दी। Assam has a population policy we have adopted during the last government. So now we are following the population policy. Gradually, all beneficiary schemes will be linked to population scheme. We have announced recently CM Abas Yojana. It will be linked to population. PM Abas Yojana we are not changing because that is a central government scheme. But Assam government is bound to adopt population scheme because that has already been approved by Assam Assembly in the last assembly itself. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सूबे की राजधानी गुवाहाटी में बात करते हुए कहा कि असम सरकार ग्रामीण महिला उद्यमी के लिए नई वित्तीय सहायता योजना लेकर आई है। इसके साथ ही कुछ शर्तों का भी इसमें जिक्र है, जिसमें उनके बच्चों की संख्या की सीमा भी शामिल है। शर्त के मुताबिक सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं अगर किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए ये सीमा 4 बच्चों की है। बता दें कि फिलहाल असम की हेमंत बिश्व शर्मा सरकार राज्य में 2 बच्चों की नीति पर भी काम कर रही है। शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अभियान की घोषणा करते हुए बताया कि ये 2021 में उनकी घोषणा के अनुरूप है कि राज्य सरकार के पास विशिष्ट राज्य वित्त पोषित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 2 बच्चों की नीति होगी।